हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक गेम आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। दोस्तों, अगर आपको गेम आर्टिस्ट बनना है तो सबसे पहली चीज़ आपको दोनों में से एक चीज़ को डिटरमाइन करना है कि क्या आपको 3D आर्टिस्ट बनना है या 2D आर्टिस्ट बनना है। और दोनों चीज़ों में, दोनों रोडवेज में आपको बेसिकली सॉफ्टवेयर्स पिकअप करने हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने हैं और ये सॉफ्टवेयर्स कैसे आप सीख सकते हो। क्या आपको कोई इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, क्या आप इनको ऑनलाइन सीख सकते हो और वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं 3D आर्टिस्ट के बारे में। सो 3D आर्टिस्ट का प्राइमरी रोल रहता है या तो 3D मॉडल्स बनाना, उनकी टेक्सचरिंग करना, या फिर उनके आप जो कैरेक्टर्स बनाओगे उनको रिग करना, एनिमेट करना, वो सारी चीज़ें। और जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो फिर मॉडलिंग के लिए इंडस्ट्री के अंदर 3DS Max या फिर ऑटोडेस्क का माया यूज़ किया जाता है। एक और सॉफ्टवेयर है जिसे बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लेंडर। एंड ब्लेंडर और ऑटोडेस्क 3DS Max और माया के अंदर फ़र्क बेसिकली इतना है कि माया और मैक्स जो है वो पेड सॉफ्टवेयर्स हैं और ब्लेंडर इज़ फ्रीली अवेलेबल। हाउएवर, ब्लेंडर फ्री होने के बावजूद कई सारे स्टूडियोज़ जो है माया और 3DS Max को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, प्राइमरली बिकॉज कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो माया और 3DS Max सिखाते हैं। बट इन एनी केस, आई थिंक अगर आपको टूल्स प्रॉपरली आते हैं तो फिर आप बेसिकली एक फ्रेमवर्क फॉलो करके कोई भी टूल बेसिकली पिकअप कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो भी टूल के साथ आप कंफर्टेबल हो उसे यूज़ करो। हाउएवर, अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाओगे, दैट इज़ अगर आप किसी स्टूडियो के लिए काम करोगे, तो वहाँ पे आपको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ सकता है। दैट इज़ अगर आपने ब्लेंडर सीखा है बट स्टूडियो 3DS Max या माया यूज़ करता है तो आपको वहाँ पे ही उसी सॉफ्टवेयर के अंदर स्विच होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए इन टर्म्स ऑफ लर्निंग दी सॉफ्टवेयर्स, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट बेसिस के हिसाब से चेंज होती रहती है। लर्निंग अ सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अ स्किल, हाउ टू यूज़ दैट सॉफ्टवेयर, हाउ टू पुट योर क्रिएटिविटी टू लाइफ, दैट इज़ द स्किल। मतलब 3D मॉडल तो कोई भी बना लेगा, बट किस हिसाब से वो आप 3D मॉडल बना रहे हो, कितनी डिटेलिंग के साथ बना रहे हो, क्या क्रिएटिविटी आप उस 3D मॉडल के ऊपर लगा रहे हो, दैट इज़ द कोर स्किल। ओके, तो अगर आपको 3D सॉफ्टवेयर सीखने हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स जो है वो जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से आप ये सॉफ्टवेयर्स को सीखिए, प्राइमरली बिकॉज आपको एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेड अप्रोच मिल जाएगा जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी और टीचर्स आपको प्रॉपरली सिखाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स मिलेगी और उस हिसाब से आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न दीज 3D सॉफ्टवेयर्स। फिर बाद में बात करते हैं 2D आर्ट के बारे में। 2D आर्ट के अंदर आपका इलस्ट्रेशन होता है या फिर ग्राफिक डिज़ाइन होता है, उसमें मेजरली फोटोशॉप यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट फोटोशॉप का यूज़ करके आप टेक्सचर्स वगैरह भी बना सकते हो। फोटोशॉप इज़ अगेन अ पेड सॉफ्टवेयर। इसका एक और ऑल्टरनेटिव है जिम्प, दैट इज़ नॉट एज वाइडली पॉपुलर एज फोटोशॉप, बट फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो मोर ऑर लेस आपको सिमिलर फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। इट इज़ अगेन डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज आप कौन सी सॉफ्टवेयर प्रेफर करते हो, राइट, एंड एट दी एंड ऑफ द डे स्टूडियो कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। अगर आप किसी स्टूडियो के अंदर काम कर रहे हो तो वो स्टूडियो कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर एनिमेशन का भी एक पार्ट रहता है। एनिमेशन अगर आपको करना है तो उसके लिए रिगिंग वगैरह करना पड़ता है, तो रिगिंग जो है वो माया के अंदर, 3DS Max के अंदर, ब्लेंडर के अंदर हो जाएगा। एनिमेट करना है तो सेम सिमिलर सॉफ्टवेयर के अंदर की फ्रेम एनिमेशन यूज़ करके आप एनिमेट कर सकते हो। फिर बात करते हैं अगर 2D सॉफ्टवेयर के बारे में, तो स्पाइन 2D करके सॉफ्टवेयर है जिससे आप 2D एनिमेशन कर सकते हो। फिर बात करते हैं अगर आपको बेसिकली स्कल्पटिंग करना है, दैट इज़ आपने कैरेक्टर का 3D मॉडल बना लिया, अब वो कैरेक्टर के अंदर ग्रैनुलर डिटेल्स, जो छोटे छोटे डिटेल्स रहते हैं, फेस की डिटेल्स या फिर दूसरे मसल डिटेल्स एंड ऑल होते हैं, तो उसको आप स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू कर सकते हो। तो स्कल्पटिंग के लिए ZBrush या मडबॉक्स यूज़ किया जाता है वाइडली। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, ये जो सॉफ्टवेयर्स जिनके नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा कई सारे दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। ये जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये बस सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ द रीज़न वाई मैं इनके नाम ले रहा हूँ। बात करते हैं अभी ये सॉफ्टवेयर्स आपने सीख लिए उसके बाद क्या। एक बार आपने सॉफ्टवेयर सीख लिए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कहीं ना कहीं पे आप एज एन इंटर्न या फिर फ्रेशर लेवल पे ज्वाइन हो जाओ। कोई ना कोई इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है, तो यही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रोड मैप रहेगा फॉर यू एज एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट ऑफ। बिकॉज जब आप ये सॉफ्टवेयर सीखते हो तो उस टाइम पे आप प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई करना
नहीं सीखते इन दैट सेंस, यू नो. अगर आपने कोई एक सॉफ्टवेयर सीखी है तो आपको बस एक कुछ कुछ तरीके से ये सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आता है. अगर आपको असाइनमेंट्स दी गई है तो आपने बस उस असाइनमेंट के ऊपर काम किया है. बट जब आप इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पे एक्चुअल रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रहता है. बेसिकली इंटर्नशिप के अंदर आपको राइट फ्रॉम 3D मॉडलिंग या फिर टेक्सचरिंग या फिर कोई भी बेसिकली जॉब रोल असाइन किया जा सकता है, राइट. और वहाँ पे आपका जो काम है वो एक्चुअल रियल लाइफ में यूज़ होगा. अगर मान लेते हैं आपने जो भी एक 3D मॉडल बनाया है वो गेम के लिए बनाया है, गेम रेडी बनाया है, तो वहाँ पे एक्चुअल पॉसिबिलिटी है कि जो आपने चीज़ बनाई है वो एक्चुअल गेम के अंदर भी चली जाए. एंड दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स एवर टू एक्चुअली सी योर वर्क इनसाइड अ लाइव गेम. जो आपका एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में गेम जाता है वहाँ पे जब आपको अपना काम दिखता है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स एवर. एंड इंटर्नशिप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर लेवल पे आपको पोजीशन मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एट द वेरी बिगिनिंग. और ये प्राइमरली इस वजह से है क्योंकि गेम डेवलपमेंट के अंदर कई सारे लोग आना चाहते हैं, गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट बहुत सारे लोग रखते हैं और गेम डेवलपमेंट सीखते कई सारे लोग हैं, 3D आर्ट बहुत सारे लोग सीखते हैं, बट जो जॉब रोल्स है वो काफ़ी लिमिटेड है. मान लेते हैं अगर 100 कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, राइट, मैं जस्ट एक आर्बिट्री नंबर ले रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो 100 कंपनीज के पीछे लाखों लोग हैं जहाँ पे वो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टू वर्क इन गेम्स इंडस्ट्री, राइट. तो एक बहुत बड़ा गैप है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, जिसकी वजह से आपको जो भी अपॉर्चुनिटी पहले मिल जाती है उसको जकड़ लो, बिकॉज वो अगर अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई तो फिर आपको फिर बाद में जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट होगा. बिकॉज अगर आपको एक फ्रेशर लेवल पे जॉब चाहिए या फिर एक्सपीरियंस लेवल पे जॉब चाहिए, वो आपको पिछला एक्सपीरियंस मांगेंगे. और पिछला एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा? या तो आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा या तो फिर एक इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी. पोर्टफोलियो बनाने के बावजूद लोग या फिर कंपनीज उन लोगों को प्रेफर करेगी जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस ज़्यादा हो. इवन अगर आप बात कर रहे हो फ्रेशर लेवल पोजीशन के लिए, तो फ्रेशर लेवल पे भी ये देखा जाता है कि क्या आपके पास पिछला कुछ एक्सपीरियंस है, आपका पिछला काम देखा जाएगा. अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं. अगर आप लकी निकले तो फिर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पोर्टफोलियो के ऊपर से भी हो सकता है. बट अगर वो नहीं रहा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो वो केस में अगर कंपनी के सामने दो ऑप्शन रहेंगे, जहाँ पे एक एक्सपीरियंस बंदा है जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बट थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ इंटर्नशिप की है 2 या 3 महीने की और पिछला काम अच्छा है, तो वो कंपनी उनको ज़्यादा प्रेफर करेगी. भले ही आपका पोर्टफोलियो कितना भी तगड़ा हो वो मैटर नहीं करता, आपका वर्क एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है. फिर बात करते हैं पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो जब आप कोई एक ट्रेडिशनल जॉब के लिए अप्लाई करते हो, नॉर्मल जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ पे आप CV बनाते हो और अपना रिज्यूमे अटैच करते हो, राइट. एक आर्टिस्ट का CV और रिज्यूमे उनका काम रहता है, जैसे मैंने बोला एक्सपीरियंस, राइट. एक्सपीरियंस का आपको कैसे पोर्ट्रे करना है, आपको बेसिकली उनको दिखाना है कि आपका पोर्टफोलियो क्या है. पोर्टफोलियो के अंदर आपके सारे काम की इन्फॉर्मेशन रहती है, आपने क्या क्या आर्टवर्क्स बनाए हैं, कितने 3D मॉडल्स बनाए हैं, टेक्सचरिंग की है, तो उसका एक स्नैपशॉट रहता है. फिर बाद में एक आपकी डेमो रील बनती है. डेमो रील का काम ऐसा रहता है, ये एक बहुत छोटा सा डेमो रील रहता है, एक वीडियो फाइल रहती है बेसिकली, जहाँ पे 60 सेकेंड्स to 90 सेकेंड्स के अंदर आप अपना पूरा काम पोर्ट्रे कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो क्लिप. तो इसके अंदर आपने अब तक कितना भी आर्टवर्क बनाया है या फिर मॉडल्स बनाए हैं या फिर कुछ टाइप का एनिमेशन बनाया है, ये आपको बेसिकली क्रिएट करके रखना है एंड ये कंपनीज को दिखाना है कि बॉस हमने ये काम किया है, ओके. एंड ये पोर्टफोलियो के बेसिस पे आपका आगे बात चलेगा, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, राइट. अब टिपिकली अगर मैं आपको बोलने जाऊँ तो एक वीडियो प्रोफाइल जो रहता है वो डेफिनेटली आपका एक डेमो रील टाइप का बन सकता है एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब. बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा दो ऐसे वेबसाइट्स जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो जो है, जहाँ पे आप अपना काम अपलोड करके रख सकते हो और बाकायदा ये लिंक्स आप पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को भेज सकते हो और उनको बोल सकते हो कि यहाँ पे मेरा सारा काम अवेलेबल है. ये दो वेबसाइट्स हैं, आर्ट स्टेशन और behance.net. ये दोनों वेबसाइट्स को आप नोट डाउन कर लो, कहीं ना कहीं पे बुकमार्क कर लो और अभी के अभी जाके अपना अकाउंट बना लो ये दोनों वेबसाइट्स के ऊपर, बिकॉज ये दो वेबसाइट्स जो है वो इंडस्ट्री के अंदर कई ज़्यादा फॉलो की जाती है. अगर आपका बिहेंस के ऊपर या फिर आर्ट स्टेशन के ऊपर पोर्टफोलियो है तो आपके रेज्यूमे को या फिर आपकी प्रोफाइल को और ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा,
बिकॉज आप वहाँ पे अपना जो भी आर्ट वर्क है वो पब्लिकली डिस्प्ले कर रहे हो, राइट? सो दैट इज, दैट गिव्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू योर ओवरऑल पोर्टफोलियो. ऑल इन ऑल अगर मैं समराइज करने जाऊँ तो रोड मैप बेसिकली सिंपल है. सबसे पहली चीज़ आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं, सॉफ्टवेयर सीखने के बाद अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप लोगों को जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, इंटर्नशिप्स के लिए, फ्रेशर लेवल अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आपको मिल सकता है ले लीजिए, बिकॉज जो सप्लाई एंड डिमांड है जैसे मैंने बोला उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट? एंड एक बार आपने इतना रोड मैप कर लिया थे, राइट, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपके लिए होने लगेगी, बिकॉज वहाँ पे आप फिर बाद में काम करने लगोगे, इंडस्ट्री में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लगोगे, आपका जो पोर्टफोलियो है वो और स्ट्रांग होता जाएगा. और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे आप नया नया काम करते जाओ अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते रहो. जो भी आपने काम किया है भले वो छोटा हो बड़ा हो, इट डज़ नॉट मैटर, आप अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते जाइए, बिकॉज उस हिसाब से फिर बाद में सामने वाले को दिखेगा ओके इसने ये भी किया है वो भी किया है, इसको इसका भी एक्सपीरियंस है उसका भी एक्सपीरियंस है. एंड एक स्पेशलाइजेशन रखिए, स्पेशलाइजेशन इन द सेंस कई सारी चीज़ें मत करनी चाहिए, डोंट बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बी द मास्टर ऑफ वन. तो अगर आपको एनिमेशन में स्पेशलाइजेशन करना है तो एनिमेशन में फुल्ली फोकस्ड रहिए, मॉडलिंग में करना है तो मॉडलिंग में फोकस्ड रहिए, टेक्सचरिंग में करना है टेक्सचरिंग में करिए, रिगिंग में करना है तो रिगिंग में करिए. तो ओवरऑल यही एक रहता है फॉर एन आर्टिस्ट, एक रोड मैप दैट एन गेम आर्टिस्ट मस्ट फॉलो. एंड साथ ही साथ मॉडलिंग के ऊपर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो फिर टेक्निकल चीज़ें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, लाइक पॉलीकाउंट्स क्या होते हैं, कितने पॉलीकाउंट्स का मॉडल बनना चाहिए. टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हो तो फिर टेक्सचर साइजेस क्या होते हैं, टेक्सचर मैप्स क्या होते हैं, फिर बाद में कैसे आप टेक्सचर्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो. फिर रिगिंग के अंदर आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. फिर बाद में रिगिंग आप अगर कर रहे हो तो फिर वो गेम इंजन के साथ कैसे कंपेटेबल होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. एनिमेशंस कैसे काम कर रहे हो वो पता होना चाहिए. तो ऑल इन ऑल जो भी आप जॉब रोल पकड़ोगे, जो भी आप स्पेशलाइजेशन पकड़ोगे, उसमें आपकी फुल ऑन मास्टरी होनी चाहिए. सो इतना ही था दोस्तों, यही था एक बेसिक आइडिया आपको देने के लिए कि एक गेम आर्टिस्ट को क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए. आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप मेरे अगले वीडियोस को मिस नहीं कर पाओ. मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ. इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना.